हो गए। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। और इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला निकला था। और इसके सापेक्ष यदि हम फिगर की हम बात करें राइट, यदि ये कोई डेड सेंटर है, डेड सेंटर का मतलब समझते हो है ना, आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया होगा। यदि कोई डेड सेंटर, और डेड सेंटर से, डेड सेंटर वो होता है जहाँ पर पिस्टन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्या होती है, पिस्टन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस पिस्टन से मान चलो ये डिस्टेंस यदि एक्स है और एट दैट टाइम द क्रैंक एंगल इज थीटा एट ओ ए एंड बी, ए बी हमारी कनेक्टिंग रॉड है, तो यहाँ पर ए बी की लेंथ एल, ओ ए क्रैंक रेडियस, इसलिए हमने इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया था राइट। वो एंगल बीटा है, कोई बात नहीं, अब वो एंगल बीटा का तो कोई रोल रहा नहीं क्योंकि तो हमने बीटा को थीटा के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसे हम। तो कल हमारी कहानी यहाँ तक हुई थी राइट। तो इस सिलेंडर के इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अंदर जो पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक्स आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट। यदि मुझे पिस्टन वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, तो जाहिर सी बात है पिस्टन वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी वी डी एक्स बाई डी टी राइट। तो डी एक्स बाई डी टी चूंकि यहां पर टाइम तो फंक्शन है नहीं, कोई टाइम वेरिएबल है नहीं है, तो टी के रेस्पेक्ट में तो आप डिफ्रेंशिएशन कर नहीं पाओगे, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको डी एक्स बाई डी टी टा इंटू डी थीटा बाई डी टी राइट। ओके, बिकॉज जो टी है, जो टाइम है ना, तो टाइम के डिपेंडेंट एक्स भी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी, और टाइम के रेस्पॉन्ड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, थीटा भी टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन करके इसको इस रूप में लिख लिया। तो ये हमारा बन गया अब डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक है ना, और ये हो गया हमारा ओमेगा, बचा डी एक्स बाई डी थीटा, दैट मीन्स एक्स का जो फंक्शन है उसे आप थीटा के रेस्पेक्ट में आप रिप्रेजेंट करना है, वो हमें क्योंकि ऑलरेडी आर अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पर, तो आर तो कांस्टेंट है वो तो बाहर रही। अब इधर देखते हैं, वन का डिफरेंशिएशन किया तो जीरो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक, प्लस एन का तो जीरो हो गया, माइनस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले इस एन स्क्वायर को करते हैं ठीक है। तो देखो क्या होगा फॉर्मूले में, मैं आपको बताऊं, यहां पर प्लस के वन बाई टू है, तो यदि मैं इस पूरे को टी मानता हूं, क्या मान लो टी, तो ये पहले आएगा वन बाई टू राइट, वन बाई टू और टी की पावर वन माइनस माइनस वन आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा आपका
एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस वन बाई टू। अब इस टी का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो टी का करेंगे तो एन स्क्वायर तो हो गया जीरो, साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस टू साइन थीटा। ये इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? राइट, तो ये हमारा क्या बन गया, द वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये टू है तो इस टू से ये टू कट गया, तो टू मत काटो ना फिर, टू क्यों काट रहे फिर, तो साइन टू थीटा बना रहने दीजिए, ऐसे मत काट, नहीं काटते, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ओवर ये हमारे क्या निकल के आ गए, वेलोसिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं व्हेन एन इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम वी इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा प्लस बटे टू एन लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन थीटा के रेस्पेक्ट में चूंकि एन की वैल्यू एक से ज्यादा बड़ी है, वैसे एक से कम ही रहेगी, तो ये ऊपर वैल्यू कम है नीचे वैल्यू ज्यादा है, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि इसके रेस्पेक्ट में ये वाली क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाती है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, एक सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। लेकिन इसमें कोई ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है नहीं है, ये बहुत हो गया सिंप्लीफिकेशन, एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ से आते हैं और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट करीब करीब हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है सिंपल वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लो, इसके बाद फिर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यदि वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो इसके द्वारा कैलकुलेट वेलोसिटी और इसके द्वारा कैलकुलेट वेलोसिटी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं पड़ा, अंतर तो पड़ेगा नो डाउट, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा कि जिसे आप निग्लेक्ट ना कर सकें। तो हम नीचे वाले फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू एन। राइट, तो यदि हमें एक्सेलरेशन निकालना है पिस्टन का, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी अपॉन डी टी, अगेन फिर हमें उसी तरह से वर्क कर रहे हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी बी अपॉन डी टी, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का करोगे आप तो, और साइन टू थीटा का करोगे तो टू साइन थीटा, टू साइन टू थीटा करोगे ना तो कॉस टू थीटा आएगा, और टू थीटा का करोगे तो टू आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा टू कॉस टू थीटा अपॉन टू एन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन पिस्टन का एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो
जो कनेक्टिंग रॉड का जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, किसके रेस्पेक्ट में? पिस्टन के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? बीटा है। यदि ये बीटा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा फॉर कनेक्टिंग रॉड, सी मतलब कनेक्टिंग रॉड के लिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डी बीटा अपॉन डी टी। सही बात है। तो डी बीटा अपॉन डी टी, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी हमने जैसे कि रिलेशनशिप देखा था, याद है आप लोगों को, कि साइन बीटा इज इक्वल टू, याद है, साइन थीटा बटा एन। देखो कल किया था हमने, कल निकाला था रिलेशनशिप जो हमने बताया बनाया था, जब थीटा एंड बीटा में बात समझ में आ रही है, ठीक है। यदि हम इसे टी के रेस्पेक्ट में ऐसे करें तो क्या हो जाएगा? ये कॉस बीटा इंटू, ठीक है, तो ये ओमेगा सी डी बी बाई डी टी, साइन बीटा बराबर साइन थीटा बाई एन, डिफ्रेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया, ठीक है। और कॉस बीटा की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर दी हमने, कॉस बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू अगेन ये पुट करके हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक्सेलेशन और निकाल लेते हैं, तो एक्सेलेशन क्या हो जाएगा इसका, जो भी वैल्यू निकल के आए, एंगुलर एक्सेलेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इक्वल टू ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा के रेस्पेक्ट में ही है, इसे लिखेंगे फिर